रेवाड़ी अमरावती हाईवे पर फ्लाईओवर का काम पिछले 8 महीने से चल रहा है। रुक रुक कर फ्लाईओवर के काम ने कई यातायात को बाधित कर दिया। बढ़ते हादसों और छोटे मोटे हादसों के चलते MIDC यातायात विभाग एक अनुशासन में आ गया है। परिवहन उपायुक्त सारंग आहवार के मार्गदर्शन में MIDC PI भीमा नरके के हादसों को नियंत्रित करने के लिए वाड़ी में 3 प्रमुख स्थानों पर पुलिस तैनात की। PI नरके ने कहा कि 3 प्रमुख बिंदुओं पर यातायात कर्मी यातायात को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं और विपरीत दिशा में जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सड़क पार की दुकानों को परिवहन विभाग द्वारा पीछे धकेल दिया गया, जबकि कुछ दुकानों पान टपरी को हटा दिया गया। दत्तावाड़ी पुलिस स्टेशन के पास एक पुलिस प्वाइंट स्थापित की गई थी, दूसरा प्वाइंट ओडस फैक्ट्री गेट के सामने और तीसरा प्वाइंट माउली मेडिकल स्टोर के सामने रखा गया। यातायात अधिकारी और कर्मचारी दिन में यहां तैनात रहते हैं ताकि यातायात बाधित ना हो और जाम भी नियंत्रित रहे। साथ ही सर्विस रोड को भी बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों को PI नरके द्वारा विपरीत दिशा में जाने वाले वाहनों पर सख्ती से वाहन चलाने का आदेश दिया गया है। हादसों को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। PI भीमा नरके ने नागरिकों को अधिक सावधान रहने का आह्वान किया है क्योंकि फ्लाईओवर से कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। फ्लाईओवर का काम होने के कारण डिवाइडर बंद कर दिए गए हैं और कुछ जगहों पर कटिंग भी कर दी गई है। फ्लाईओवर पर काम होने से सड़क में सेंधमारी हुई और बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ भी होता है। अमरावती हाईवे का पुराना डामरीकरण वाहनों को असंतुलित कर देता है, जिससे आए दिन कई छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। वाहनों के पहिए असंतुलित होते हैं और कई नागरिक और महिलाएं वाहन लेकर बेकाबू हो जाते हैं। इसके खिलाफ उपाय करते हुए हाईवे के दुर्घटनाग्रस्त हिस्से को संतुलित किया जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। पोलीस जे रस्त्यावर थांबलेले आहेत आणि वाहतुकीचं नियंत्रण करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत, त्यांना सुद्धा वेळोवेळी सहकार्य केलं पाहिजे। तसेच या भागातील सर्व दुकानदार तसेच वाहनचालक जे असतील यांना मी आवाहन करतो की यांनी रस्त्यामध्ये कोणतंही वाहन उभा करू नये। रस्ता आता छोटा झालेला आहे, पावसाचे दिवस आहेत, त्यामुळे रस्त्यामध्ये जर वाहन उभा केलं तसेच जड वाहतूक चालू असते, यामुळे जामिंगचे प्रॉब्लेम उद्भवू शकतात। त्यामुळे कुणीही या ठिकाणी वाहन पार्क करू नये, योग्य ठिकाणी त्याला पार्क केलं पाहिजे जेणेकरून वाहतुकीची समस्या निर्माण होणार। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।